हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम मराठा साम्राज्य देखेंगे। इससे पहले हमने मुगल साम्राज्य कंप्लीट कर लिया। मराठा साम्राज्य से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। वैसे ये मुझे कल ही कल वाली वीडियो में ही कवर करना चाहिए था, मगर कोई नहीं, आज हम मराठा साम्राज्य कर लेंगे और जो भारत के वायसराय हैं, आधुनिक भारत का भी थोड़ा सा पार्ट कर लेंगे। उसके बाद कल से हमारी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ये कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मराठा साम्राज्य में शिवाजी को। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेरी के किले में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का जो नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था, इनके गुरु थे दादाजी कौंडदेव, इनका इन पे प्रभाव पड़ा था। संरक्षक भी यही थे इनके, शिवाजी के गुरु थे जो इनके संरक्षक थे ये, और इनके जो गुरु थे वो रामदास थे। रामदास ने दासबोध तथा आनंद वन भवन नामक पुस्तक लिखी थी। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी 1656 में रायगढ़ बनाई। पहली बार इन्होंने मुगलों से युद्ध कब किया था, 1657 ईस्वी में। देखते हैं आगे। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। ठीक है, शिवाजी ने मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा। इनका मंत्रिमंडल जो था अष्टप्रधान कहलाता था। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद जो था पेशवा का होता था, और पेशवा कोई प्रधानमंत्री, जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे ही उस समय प्राइम मिनिस्टर को पेशवा बोला जाता था, और अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इनके अमात्य थे। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी, जो अब आज के टाइम में आप देखें तो महाराष्ट्र में बोली जाती है। चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर थे। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयत बाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया था, और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी, तभी बोलते हैं हम छत्रपति शिवाजी। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया था, जो भी आता था उसको पेशवा बोला ही जाता था। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक प्रयोग किया। कर्नाटक अभियान में शिवाजी का अंतिम विजय अभियान जो था वो कर्नाटक अभियान ही था, ये याद रखेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1680 में। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी। उसने औरंगजेब के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो उन्होंने शरण दे दी। संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया, इसका यही कारण रहा होगा उन्होंने इसको शरण दी। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम राजा बना। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा देती है। ताराबाई ने मुगलों का संघर्ष जारी रखा, मुगलों से लड़ाई चलती रही। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बने। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था बाजीराव प्रथम था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हमारा मराठा साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। विजयनगर साम्राज्य को मध्ययुग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे सुंदर शहर बताया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरियर और बुक्का ने, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक जो था कृष्णदेव राय था, ये बाबर के समकालीन थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता है अष्टदिग्गज। इसके बाद कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने अमुक अमुक तक माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता था। विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा राम मंदिर का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। तालीकोटा का युद्ध
1565 ईस्वी में यहीं पे लड़ा गया था, इसे याद रखेंगे। बहमानी साम्राज्य के बारे में बात करें, बहमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी को अलाउद्दीन बहमान शाह ने की थी। इसका पहले का जो नाम था वो था जफर खां। इसने अपनी राजधानी गुलदगा बनाई। बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद रख दिया। ये बेसिकली नाम चेंज करते रहते थे सारे अपने मुस्लिम शासकों के ऊपर, शहर बना देते थे। बहमानी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। महमूद गवा के बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना इसी ने की थी, महमूद गवा ने। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले हम गवर्नर देख लेते हैं, इनका टाइम पीरियड कल से हम देखेंगे 1857 क्रांति के बाद से जो हमारे आंदोलन चले हैं। आज हम गवर्नर इसी वीडियो में देख लेंगे। वीडियो अभी छोटी सी है, करीब 15 मिनट की वीडियो होगी, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले बंगाल गवर्नर की बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी में मिला लिया था। ये क्वेश्चन आएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, भारत का आएगा तो बदल जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग था। कंपनी के अधीन में जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाना लगा, ठीक है। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। गवर्नर पूछे रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल पूछे वारन हेस्टिंग। यह शुरू में एक क्लर्क था। बात करते हैं वारन हेस्टिंग के बारे में। 1774 से 1785 तक ये रहे थे। वारन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए मदरसा स्थापित किया। इसी समय में 1780 ईस्वी में भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑंगस्टन हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वारन हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कभी? 1774, याद रखेंगे हम लोग। अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जब वह 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग लगा दिया गया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1793 और उसके बाद 1805, इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या किया। इसने 1793 ईस्वी में स्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। इसके तहत किसानों को उपज का 90%, सोचिए कितना था, कंपनी को देना था। स्थाई बंदोबस्त की योजना सर जॉन सोर ने बनाई। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड बेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 1798 से 1805 तक रहे थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1707 से 1813, इनके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हो गया। इसके बाद लॉर्ड हेरिंगस्ट, क्या नाम है बोल भी तो नहीं मिलता अंग्रेजों के नाम, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में क्या इम्पोर्टेंट है? संगोलो की संधि 1816 ईस्वी में, पिंडारियों का दमन इनके टाइम में किया गया था। इसके बाद इम्पोर्टेंट आते हैं लॉर्ड विलियम मेंटिंग, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अभी आपने देखा बंगाल का, ये भारत का। राजा राम मोहन राय को इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए योगदान दिया था। मेंटिंग ने शिशु बालिका हत्या पर भी रोक लगा दी थी। इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो लॉर्ड मैकेनली ने की थी विलियम बेंटिंग के समय में ही हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, इन्होंने प्रेस से जो प्रतिबंध था वो हटा दिया था, बस इतना ही इनके बारे में याद रखें। लॉर्ड एलन वारो 1842 से 1844, दास प्रथा की समाप्ति इन्होंने की थी। रविवार के अवकाश की शुरुआत 1847 में इन्होंने की थी। लॉर्ड हार्डिंग, नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। डलहौजी इम्पोर्टेंट है, डलहौजी के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। 1848
से 1856 ईस्वी तक। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को इन्होंने भेज दिया। डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। कब चलाई? 16 अप्रैल 1893 से 34 किलोमीटर की रेल मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, शिमला को अपने ग्रीष्म काल की राजधानी बना लिया। इसी के समय 1893 में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू हुई, डाक टिकट शुरू हुआ। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल चलाई इन्होंने, तार सेवा चलाई, डाक टिकट चलाया। डलहौजी ने हड़प नीति भी चलाई। हड़प नीति इन्होंने सबसे पहले जो राज्य इन्होंने हड़प किया था इस नीति के तहत वो था सतारा। ठीक है, अवध पर इन्होंने कुशासन लगा दिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अवध के जो नवाब थे उस समय बाजिद अली थे। ठीक है, इसके कार्यकाल में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई। इसने शिक्षा में सुधार के लिए 1854 ईस्वी में बोर्ड डिस्पैच लागू कर दिया। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं। लॉर्ड कैनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके टाइम पे हमारी 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया और शासन की बागडोर जो थी इंग्लैंड की महारानी के हाथ में पहुंच गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सबको पता है, 1600 में। राज हड़प नीति को इन्होंने समाप्त कर दिया। सम्राट के पद को समाप्त कर दिया, मुगल सम्राट के। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी इन्होंने। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित कर दिया गया। लॉर्ड मेयो के सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इन्होंने प्रथम जनगणना की थी। मेयो की हत्या अफगानों ने कर दी चाकू मार के। इसके बाद लेटन आते हैं, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ इनके टाइम में, बस। लॉर्ड रिपन ने जो थी बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को फिर से समाप्त किया। स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें कहा जाता है। नियमित जनगणना जो थी इन्होंने कराई। जनगणना पहली बार पूछी जाए तो लॉर्ड मियो, और नियमित तो लॉर्ड रिपन। कब? 1881। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। इसी के समय इलबर्ट बिल पेश किया गया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, लॉर्ड कजन में आपको क्या याद रखना है? बंगाल विभाजन 1904 में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार भी हुआ था। ठीक है, वह जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस विभाजित हो गई नरम और गरम दल में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और बंगाल विभाजन को भी 1911 में रद्द कर दिया गया। 1912 में दिल्ली कलकत्ता से राजधानी बन गई। पहले कलकत्ता थी, उससे हटा के दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बालमुकुंदन को फांसी दे दी गई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के बारे में बात करते हैं। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग 1917 में इन्होंने गठित किया। इनके टाइम में सबसे जो इम्पोर्टेंट थी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड, दोनों ही 1919 में हुए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड रीडिंग कुछ नहीं आता। 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू चित्रानंद दास ने की थी, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। लॉर्ड इरविन से एक आ जाता है गांधी इरविन समझौता, जो 1931 में हुआ था। कांग्रेस का एक अधिवेशन इसमें हुआ था 1929 वाला लाहौर, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी और पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन, क्वेश्चन नहीं आता है, लिनलिथगो से आता है क्योंकि इनके टाइम में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था और क्रिप्स मिशन भारत आया था। आगे देखते हैं लॉर्ड बेबल, 1944 से 1947, शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर। इसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी थे। मार्च 1947 से 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना
द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को, भारत हमारा स्वतंत्र हो गया। दोस्तों आज हमने इतना देख लिया, अब कल से जो है 1857 की क्रांति और जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन थे सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं वीडियो को, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।